गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम डीएम हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये स्टैंडर्ड फोर्थ। टुडे वी स्टार्ट योर इंग्लिश वर्क। नाउ चैप्टर फोर्थ इन ग्रामर। ग्रामर में हम आपका फोर्थ चैप्टर करेंगे, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस के प्रकार, मतलब वाक्य के टाइप, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी टाइप्स आर सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेल मी द काइंड्स, नेम, मेंशन द नेम, कुछ भी आ सकता है आपके पास। सो लेट्स रीड। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ चार तरह के वाक्य होते हैं। फर्स्ट इज स्टेटमेंट, सेकेंड इज इंटरोगेटिव, थर्ड इज इम्पेरेटिव, फोर्थ सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी। ओके, और स्टेटमेंट सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव, ये बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव भी कहते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो। रीड दिस सेंटेंसेस। चलो हम पढ़ते हैं। आई लाइक वाटरमेलन, आई लव टू पेंट पिक्चर्स, जयंत इज़ वेरी हैप्पी टूडे। दिस सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, मतलब सिंपल सेंटेंस है। ए स्टेटमेंट सेज और स्टेट समथिंग, जो हमें कुछ बता रहा है, कुछ भी कह रहा है। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इसकी शुरुआत बड़े अक्षर से होती है। जैसे आपने लिख दिया नॉर्मल सा, मोहन इज़ ए गुड बॉय, आई एम अ गर्ल, तो मोहन का आप एम बड़ा लिखेंगे, बिग लिखेंगे और एंड में डॉट लगाएंगे। इस सेंटेंस के प्रकार की ये पहचान है, रिकॉग्निशन है, मीन्स रिको है। आप क्या रिको करोगे? असर्टिव सेंटेंस की, स्टेटमेंट सेंटेंस की, डिक्लेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? सिंपल सेंटेंस होता है, जो बिल्कुल सिंपल। ओके, सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है आपको। रीड दिस सेंटेंसेस। व्हाट इज़ योर नेम? डिड यू मीट मिस्टर वर्मा? व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे? आपको इनकी मैं सेंटेंस की हिंदी बताऊँ, आपको लगेगा कि दिस इज़ अ क्वेश्चन, ये प्रश्न है। व्हाट इज़ योर नेम? आपका क्या नाम है? क्या तुम मिस्टर वर्मा से मिले हो? Why were you absent yesterday? कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? क्या के क्वेश्चन है सारे, जो क्या क्या, इसमें किसी से कुछ क्वेश्चन कहा पूछा जा रहा है, वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन आर आस्क समथिंग, जिसमें किसी से कुछ पूछा जाता है। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, जिसमें किसी से क्वेश्चन किया गया है, वो कौन सा होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस, और उसके एंड में, लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। ओके, ये इस सेंटेंस की, इस काइंड की, इस प्रकार की पहचान है। रीड दिस सेंटेंसेस। अब हम थर्ड करेंगे। स्विच ऑफ द फैन, प्लीज़ कम टू मी, टेक द मेडिसिन्स रेगुलरली, या गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, प्लीज़ मैम मे आई कम इनसाइड, यू मे गो आउटसाइड। इसमें किसी से आपने कुछ, किसी को ऑर्डर दिया है, किसी से कोई प्रे की है, किसी से कोई रिक्वेस्ट की है, कोई कमांड दी है। देखो, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट, कमांड्स और गिव डायरेक्शन। आप किसी को कोई रास्ता बता रहे हो, किसी से कुछ पूछ रहे हो, किसी से कोई आज्ञा ले रहे हो। उस सेंटेंस क्या है, ये भी क्या होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से इसका एंड होता है। लेकिन दे बेटा, ऐसे तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कैपिटल से ही स्टार्ट होता है और एंडिंग डॉट से होती है, और इसमें भी, लेकिन इसमें किसी से कुछ आज्ञा लेना, ऑर्डर देना, कमांड देना, वो कौन सा सेंटेंस होता है हमारा? इम्पेरेटिव। आप किसी के दिमाग में कोई जोर डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, कोई असर डाल रहे हैं, वो कौन सा सेंटेंस होता है? इम्पेरेटिव। फोर्थ सेंटेंस इज आवर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, हाउ फास्ट इज शी रनिंग। देखो, फर्स्ट पूछो भी कितना सुंदर पिक्चर है या कितना सुंदर फूल है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक एक्साइटमेंट दिखाई गई है हमें। अब इस सेंटेंस में हम किसी को कोई दुख प्रकट कर रहे हैं, सैड हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, जॉय हैं, ग्लैड हैं, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी। और एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। देखो, जो कोई अपनी भावनाओं को प्रकट करे, कुछ जो महसूस कर रहे हैं उसको प्रकट करे, जो हम महसूस करते हैं वो आते हैं सेंटेंस में। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन साइन, और इसका एंड किस से होता है? एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन कौन सा होता है? देखो बेटा, स्टैंडिंग लाइन लगा के नीचे डॉट, यू कैन सी। देखो, दोनों सेंटेंसेस के एंड में यही लगाया हुआ है ना? यस। तो आपको चार तरह के टाइप होते हैं सेंटेंस के, चारों काइंड पता चल गए हैं आपको। नेक्स्ट दिए हुए इन सेंटेंस की एक्सरसाइज। आपको सेंटेंस दे दिए गए हैं, आप उनके टाइप बताएंगे। कौन सा सेंटेंस दे हो, जैसे कि प्लीज ओपन द डोर, ये किसी से कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, तो कौन सा हुआ? इम्पेरेटिव। आर स्कूल बुक्स
अवेलेबल इन योर स्टोर। क्या तुम्हारे स्कूल की क्या तुम्हारे स्टोर पे स्कूल की बुक्स हैं? मिलेंगी? इंटरोगेटिव क्वेश्चन किया गया है। ओके, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, दिस इज़ अ स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सिंपल सेंटेंस। मदर इज कॉलिंग यू, मम्मा बुला रही हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, डोंट टॉक इन माई क्लास, टीचर ऑर्डर कह रहा है, कुछ कह रहे हैं ना, आप मेरी क्लास में मत बोलो, इंटरोगेटिव। सिक्स सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, किसी से कुछ पूछा जा रहा है, क्या है, इंटरोगेटिव। प्लीज़ टेल अस द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला, प्लीज़ कहा गया किसी से, कुछ प्रार्थना की गई है, कुछ डायरेक्शन की गई है, इम्पेरेटिव। शांति यू शुड गो टू द डॉक्टर, इम्पेरेटिव, किसी को सलाह दी जा रही है, एक कमांड दी जा रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़, देखो पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, एक्सक्लेमेशन साइन का कोई एग्जांपल नहीं आया था, तो ये कौन सा हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, चिल्ड्रन प्लीज कम इनसाइड द क्लास, टीचर कह रही है स्टूडेंट्स को आप क्लास के अंदर आओ, इम्पेरेटिव। ठीक है, आप ये बुक में एक्सरसाइज फिल करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका बी है, मेक सेंटेंसेस एज इंस्ट्रक्टेड इन ब्रैकेट्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको ये फोर वर्ड्स दिए गए हैं और उनके पीछे नाम दिया हुआ है, आप टीचर से ये सेंटेंस बनाएंगे, ओके, और क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाएंगे, मतलब इंटरोगेटिव, इससे इम्पेरेटिव, फ्रेंड से स्टेटमेंट, पेंटिंग से एक्सक्लेमेटरी। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ओके फ्रेंड, मोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, नॉर्मल सेंटेंस है, ओके। आप ही नोटबुक पे चार सेंटेंस बना के राइट करेंगे और ये लेट्स रिवाइज वाला अपने माइंड में पिक्चर देखेंगे, आपको अंडरस्टूड हो जाएगा अच्छे से, ओके। ये स्टैंडर्ड फॉर टूडे योर काइंड ऑफ सेंटेंसेस चैप्टर इज कम्प्लीट, आई होप यू मे अंडरस्टैंड, एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल, टेक केयर स्टूडेंट।